इस समय राजनीतिक गलियारों में पप्पू यादव, जीतन राम मांझी और कन्हैया कुमार की मुलाकातों की चर्चा खूब हो रही है। सोचा जाए तो राजनीति में कदम रखने वाले कन्हैया से पप्पू यादव की मुलाकात राजनीति में कुछ नया रंग लाने वाली है। बिहार में थर्ड फ्रंट की हलचल थोड़ी तेज हो गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के महागठबंधन से अलग होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में थर्ड फ्रंट यानी कि गैर एनडीए और गैर आरजेडी वाला मोर्चा तैयार हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जन अधिकार पार्टी और सीपीआई एक नया विकल्प बनाकर राज्य के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद थर्ड फ्रंट को लेकर चर्चा की गई, साथ ही मांझी को इसका नेतृत्व करने के लिए भी कहा गया। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने एक ट्वीट भी किया, होश और जोश के साथ बिहार के स्वर्णिम भविष्य के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, मिलकर बदलेंगे बिहार। उम्मीद है मांझी जी बाबा साहेब और कांसीराम जी के बाद दबे कुचले की मजबूत आवाज बनकर हमारी भावनाओं को समझेंगे। हम कन्हैया जी और बिहार को बचाने वाले साथी इसके पुनर्निर्माण के लिए साथ खड़े हैं। पहले भी पप्पू यादव थर्ड फ्रंट के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान भी जोर आजमाइश कर चुके हैं, लेकिन उस समय बातचीत सफल नहीं हो सकी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम ने जिस तरह महागठबंधन को चारों खाने चित करा दिए, उसके बाद से पप्पू यादव थर्ड फ्रंट के लिए भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि वे कांग्रेस को भी इसमें शामिल करने और नेतृत्व की जिम्मेदारी देने की बात कह चुके हैं। मालूम हो कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव, मांझी और कन्हैया को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एनडीए में शामिल होने की भी चर्चा जोरों पर है। मांझी ने एनडीए के साथ मिलकर अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इस पर एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्र महासचिव और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने बीते दिनों कहा कि हमारे दरवाजे न तो बंद हैं और न ही खुले हैं। उनका कहना है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन कहां है और क्या कर रहा है। हमारे दरवाजे न तो बंद हैं और न ही खुले हैं, हमारा अपना एजेंडा है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इसका फैसला जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। चुनाव में उनकी क्या उपयोगिता है और उनके साथ कैसे अनुभव हैं, इन सब पर विचार करने के बाद पार्टी अध्यक्ष किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। चुनाव से पहले इस तरह की सियासी हलचल एक अलग ही राजनीति को जन्म देने वाली है। बिहार को बदलने की बात कह रहे पप्पू यादव इस समय काफी जोश में नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके साथ कन्हैया कुमार और जीतन राम मांझी भी खड़े हैं। इस मुलाकात के बाद यह कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में बड़ी फेरबदल हो सकती है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।